हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे ब्लॉग। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। आज इतने सुंदर फ्लावर आए हैं तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दो, तो चलो आ जाओ फटाफट वो दिखाती हूँ। और हमारे यहाँ ना महाराष्ट्र में फेमस है गजरा। हमने हमारे यहाँ पे ना वो फ्लावर्स का प्लांट्स लगाए, उसको बहुत सारे फूल आते हैं, उसका हम बनाने वाले गजरा। तो पहले आपके साथ शेयर करते हैं फूल कैसे। आ जाओ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ प्लांट्स है और उसको मैं दिखाने वाली हूँ, और काफ़ी सुंदर वाइट फूल आए उसको, और उसका हम बनाने वाले गजरा। तो चलो आ जाओ। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे ये प्लांट्स है और इसको इतने सुंदर फ्लावर आए हैं। आ जाओ यहाँ पे देखो, बहुत मस्त फ्लावर आए। तो इसके सारे मैं फ्लावर्स निकालने वाली हूँ, ये देखो। तो आज इसका मैं गजरा बनाऊँगी, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले इसके लिए मुझे सारे फ्लावर्स निकालने पड़ेंगे। इसके जितने भी फ्लावर्स हैं अभी मैंने और भी निकाले हैं, तो पहले इसको सारों को निकाल देते हैं फिर दिखा दे। चलो अभी मिलते हैं आपको थोड़े टाइम बाद। देखिए हो क्या आपने हमारे प्लांट्स में कितने सारे फ्लावर आए। सारे फ्लावर्स मैंने निकाल दिए और मैं बनाने वाली हूँ उसका गजरा। तो चलो अभी अंदर बनाते हैं गजरा। बहुत सुंदर यहाँ पे फ्लावर आते हैं। और एक प्लांट्स मैं दिखाऊंगी जिसको बोलते अबोली, तो अभी मैंने साथ में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये अबोली का फ्लावर है, ये भी गजरे में यूज़ किया जाता है। इसको निकाल के मैं गजरे में मिक्स करके आपके साथ वो गजरा शेयर करने वाली हूँ। तो उससे जितने भी हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पे है ऐसे प्लांट जो हमने लगाए हैं, तो उसको निकाल के हम अभी बनाते हैं गजरा। दिखाती हूँ आपके साथ, शेयर करती हूँ कैसे बनाने वाले गजरा और कितना सुंदर बनता है गजरा। तो चलो अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पर मैंने सारे फूल निकाल दिए है अभी इसका हम करने वाले गजरा। तो बहुत सुंदर फूल है ये देखो, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। तो जितने भी फूल थे मैंने सारे निकाल दिए हैं, अब इसका मैं करने वाली हूँ गजरा। तो चलो फटाफट करती हूँ गजरा। यहाँ पे मैंने देखो गजरा बना दिया है, अभी मम्मी इसको पहन लेगी कल परसों में जब भी उसको कहीं जाना होगा। तो बहुत सुंदर सा गजरा बनाया है और इतने सारे फूल अभी भी बच चुके हैं। तो ये अभी और इसका बना के रख देंगे। और ये देखो बहुत सुंदर फूलों का गजरा बना है यहाँ पर। तो महाराष्ट्र में ना बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं, तो गजरे तो हम घर पे ही बनाते हैं। तो चलो अभी मिलते हैं आपको बाद में। आज हमारे घर पे लाई है भेल, तो आज हम खाने वाले हैं भेल। अभी लंच नहीं किया है, तो आज हमारी मौसी आई थी तो भेल लेके आई थी। यहाँ पे इतनी मस्त भेल मिलती है ना, महाराष्ट्र की फेमस भेल। अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो भेल बहुत अच्छी लगती है जो मौसी की यहाँ मिलती है वो। और यहाँ पे मौसी लाई है ग्रेप्स। और यहाँ पे हमारे इस फल का आप क्या बोलते हैं कमेंट्स में बताना, हमारे यहाँ इसको कवर्ड बोलते हैं। तो मौसी लेके आई अमरूद और वाटर मिलन हमारे यहाँ आना शुरू हुआ है। तो चलो अभी मैं थोड़ी सी भेल खा के देखती हूँ कैसी लगती है। और मुझे भेल बहुत पसंद है जो महाराष्ट्र में मिलती है वो। तो चलो अभी खाते हैं। ये भेल है, बहुत टेस्टी लग रही है, अभी मैं खा लेती हूँ, बहुत मज़ा आता है इसको खा के। तो यहाँ पे बहुत टेस्टी भेल है, तो चलो फटाफट पहले करती हूँ भेल को खा। लंच कर ली हूँ, लंच में देखा होगा आपने क्या था। और लंच में था बेसन का चीला, साथ में पराठा, हरे मटर की सब्जी, राइस तो मैंने अभी लंच कर लिया, साथ में मौसी ने लाई थी भेल, वो भी मैंने खा लिया है। तो चलो अभी देखते हैं फिर क्या क्या करने वाले पूरा टाइम पे। मम्मी, हेलो मम्मी, हेलो हेलो मम्मी। यहाँ पे मेरी मौसी और ये मम्मी है, तो मम्मी की बड़ी सिस्टर है मौसी और ये मेरी मम्मा है। तो मौसी आई थी मिलने के लिए, बहुत सारी खाने पीने की चीजें लेके आई है। अभी मम्मी मेरी फेस वॉश कर रही है, ये देखो अभी मम्मी आई है क्लास से, मैंने खाना खुना खा लिया था और यहाँ मम्मी कर रही है फेस वॉश। तो चलो अभी मम्मी अभी रेडी होगी, फिर से मम्मी को जाना है। और यहाँ पे मेरी मौसी है, तो यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर परी, हेलो परी बोगना। सो यहाँ पे परी और परी जा रही है अपने घर पे। बाय परी, बाय परी। सो चलो अभी परी को छोड़ के आते हैं। मेरी छोटी सिस्टर आई थी परी, वो चली गई है, तो पेन था कहीं पे, उसको चोट लगी थी, उसके लिए आए थे वो डॉक्टर के यहाँ पे, तो चली गई है वो। और हमने लंच वगैरह कर लिया था, तो चलो अभी चलते हैं, देखते हैं पूरा टाइम क्या करने वाले। तो अभी मौसी चली गई है और मम्मी भी जा रही है उसकी किसी काम से बाहर, तो मम्मी भी आ रही है अभी। देखो मम्मी आ रही है, तो मम्मी जा रही है अभी। मम्मी का दिक्कत कब आएगी मम्मी वापस, कब आएगी वापस?
कब आएगी वापस? 4 बजे अब बज चुके दोपहर के 1:30, अब मम्मी आएगी 4 बजे। तो धूप बहुत है और मम्मी कैप पहन के जाएगी, श्रग भी पहन लिया है। देखो आम कितने सुंदर आए। और मम्मी, बाय मम्मी, हेलो करिया ना रहने तू। गई मम्मी अभी तो। चलो अभी मम्मी भी चली गई है, तो भाई को भूख लगी है, उसको ग्रेप्स देने हैं और कुछ नमकीन मांग रहा था वो, तो चलो अभी उसको दे देते हैं। वो खाना नहीं खाना है उसको, ऐसी ऊपर उठने वाली कोई ऐसी चीज़ें खानी है, तो मैंने कहा चलो उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं भाई को ग्रेप्स दे देती हूँ, उसको लगी है भूख। बहुत मस्त हमारे ग्रेप्स से कितनी सुंदर आई है, तो ये मार्केट से लाई है, घर पर नहीं आई है। मैं ग्रेप्स दे देती हूँ इसको धो के, धो ली प्लेट में। और यहाँ पे भाई को खाना है फरसाना, ये महाराष्ट्र में मिलता है फरसाना ये वाला, तो उसको फरसाना भी देती हूँ। फिर के बाद मैं सो गई थी और उसके बाद कोई शूट नहीं लिया, तो अब बज चुके शाम के 5:30। जो आपको दिख सकते पीछे, तो अभी मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूँ। मैं बहुत दिन बाद चाय रेसिपी शेयर कर रही थी, मैंने कहा चलो अभी बनाती हूँ और आपके साथ करती हूँ चाय रेसिपी शेयर। तो चलो अभी बनाते हैं चाय। तो शाम के टाइम पर आज मम्मी आई नहीं है, तो मुझे आज मम्मी आई नहीं है तो मैं बनाने वाली हूँ चाय। तो चलो अभी बनाते हैं। यहाँ पर दूध गर्म कर लिया है चाय के लिए। चाय बनाने के लिए मेरे लिए अदरक और इलायची, चाय बनने के लिए मेन चाहिए अदरक और इलायची। यहाँ पे मैंने दूध निकाल के रखा है। चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए चीनी, चाय पत्ती, अदरक और इलायची। यहाँ पे निकाल दिया है मैंने दूध चाय बनाने के लिए, तो चलो इसमें डाल देते हैं ये सारा चीज़ें। चाय बनाने के लिए इसमें मैंने डाल दिया अदरक, इलायची, चाय पत्ती और चीनी। तो चलो अभी इसको एक उबाल देते हैं। चाय उबल चुका है, आपको दिख सकता है, तो अच्छे से चाय को और उबाल देते हैं और लेते हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पे चाय उबल चुका है, चलो अभी डालते हैं कप में। अभी मैंने चाय बना दी और आपके साथ चाय रेसिपी शेयर की है, तो चलो अभी पीते हैं चाय। चाय रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी और आपने देखा होगा मैंने कैसे बनाई चाय। और यहाँ पर वेदर इतना अच्छा हो रखा है ना, तो अभी मैं आई हूँ इस वेदर में चाय पीने के लिए, तो आज मैं पीऊँगी यहीं पर बाहर बैठ के चाय। तो चलो देखते हैं मैंने चाय के साथ क्या क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है भेल और साथ में लिया है चाय, तो चलो अभी करते इसको एंजॉय। अभी मैंने चाय वगैरह पी लिया है, मेरा चाय पी के हो चुका है। और यहाँ पे देखो हमारे प्लांट्स को कितने आम आए, पहले छोटे छोटे थे अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और ये भी ये प्लांट्स को बहुत पे आम आने लगे। और आम ना हवा से गिर भी जाते हैं, इस वाले प्लांट्स के हमने बहुत सारे निकाले और खा भी लिए हैं। और अमरस भी बनाया था आपके साथ, अमरस रेसिपी भी हमने शेयर की है। और कितना मस्त लग रहा है व्यू, देखो बहुत अच्छा लग रहा है। और कमेंट्स में बताना कैसे लग रहा है महाराष्ट्र स्पेशल ब्लॉग, मैंने आपके साथ चाय रेसिपी शेयर की है। चाय रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चाय रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको, तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, बाय गाइज़।